हेलो फ्रेंड, आज मैं देखिए शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ सरसों के साग और मक्के की रोटी की रेसिपी, जो कि शायद झाड़ों में सभी के घर में बनती है, और यदि नहीं भी बनती है तो मैं आज इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ, तो इस सीजन में जरूर बनाइएगा इसे। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चटोरी मोना के किचन में। तो चलिए झटपट से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं सरसों का साग। तो सरसों का साग बनाने के लिए हमें फ्रेश सरसों लीव्स चाहिए, जो कि मैंने 500 ग्राम यहाँ पर सरसों ले लिया है और उसे धो धा करके रख लिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है जो कि पालक के साग मैंने 250 ग्राम और बथुआ के साग मैंने 250 ग्राम लिया है। इसमें भी आपकी च्वाइस है, आप चाहे तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं मूली का साग, मेथी के साग या फिर चना का साग। तो मैंने यहाँ पे सरसों का साग और पालक का साग को काट करके कुकर में चढ़ा दिया है और उसे तब से पकने के लिए रख दी हूँ। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बथुआ का साग, जो मैंने धो करके यहाँ रखा था, उसे भी डाल दिया मैंने कुकर के अंदर। कुकर के अंदर डालने से बहुत ही जल्दी से पक जाता है। साग ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूँगी नमक। उसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं चॉप्ड गार्लिक, क्योंकि यदि कई लोग इसमें गार्लिक भी डालते हैं उबालते समय, तो नमक डालने से ये पानी छोड़ दिया है। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी उबाल सकते हैं या फिर कोई भगोने में भी उबाल सकते हैं मोटी तली का, क्योंकि इसको अगर आप सीटी नहीं देंगे तो आप काफ़ी देर तक इसको आधे घंटे के करीब आप साग को उबालिएगा, और यदि सीटी दे रहे हैं तो 2-4 विसल तक आप इसे उबालिए। ध्यान रखिएगा इसे धीमे धीमे आँच पर थोड़ा पकाइएगा ताकि अच्छे से गल जाए साग। फिर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और उसमें मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, आप चाहे तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने इसमें ढेर सारा चॉप्ड लहसुन डाल दिया है, गार्लिक, और मैं जीरा डालना भूल गई थी तो मैंने ऊपर से इसको जीरा भी डाल दिया है। अच्छे से भून लेंगे गार्लिक को, लहसुन को। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड ऑनियंस, फिर इसे भी अच्छे तरीके से भून लूँगी। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक इसे आप भूनते रहे धीमे आँच पर। फिर मैं इसमें चॉप्ड ग्रीन चिली ऐड करूँगी, हरी मिर्च मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर, उसे भी भून लूँगी अच्छे से। फिर बारी है इसमें ऐड करने की जिंजर, जो कि मैंने यहाँ पे चॉप्ड करके डाल दिया है इसके अंदर। अब ये भुन चुका है तो मैं इसमें ऐड करूँगी 3 मीडियम साइज टोमेटो, और फिर मैं इसमें थोड़ा सा सीजनिंग के लिए डाल देती हूँ सॉल्ट, ताकि अच्छे से टमाटर जो है वो गल जाए। और गलने के लिए मैं इसे धीमे आंच पे छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए, और उसके बाद आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे मक्के का आटा लिया है, क्योंकि हमें बनानी है मक्के की रोटी, तो उसके में मैंने यहाँ पे मक्के के आटे में डाल दिया है शुगर, और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है सॉल्ट, और फिर उसके बाद मैं इसमें गर्म पानी से इसे मिक्स करूँगी, इसका एक डो रेडी करूँगी। तो गर्म पानी आपको डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गर्म पानी रहेगा उसी पानी से ये फूलता है अच्छे से, और हमारा फिर डो अच्छा बन करके तैयार होता है, ताकि आप मक्के की रोटी अच्छे से बना सकें। तो ये लीजिए, हमारा मक्के का आटा रेडी हो चुका है। अब चलते हैं मसाले की तरफ। तो ये लीजिए, हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैंने कुकर खोल करके रख दिया था साग को ठंडा होने के लिए, तो हमारा साग भी ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालूंगी। तो लीजिए, मैंने अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है, अब मैं इसे पीस लूँगी। ये लीजिए, स्मूथ पेस्ट भी रेडी हो चुका है। तो मैंने जो है यहाँ पर साग का पेस्ट बनाया है, आप चाहे तो इसे साग का पेस्ट बनाने के बजाय आप मथनी से मथ भी सकते हैं। यदि आपका साग अच्छे से गल चुका है तो आप मैश कर लीजिएगा, फिर उसे डाल दीजिएगा, और नहीं तो ये सबसे इजी तरीका है। मिक्सर ग्राइंडर लिया और उबले हुए साग को डाला और फटाफट पीस दिया और स्मूथ पेस्ट रेडी कर लिया। और इसे काफ़ी देर भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी मकई का आटा, क्योंकि इसे डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसे नहीं डाला तो इसका टेस्ट भरपूर नहीं आ सकेगा। तो आप इसे ज़रूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा, इसे डालना ज़रूरी है। तो इसे डालने के बाद आप इसे कम से कम 10 मिनट तक भूनते रहिए धीमे आंच पर, और जो बचे हुए साग का पानी था मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा गीला रहेगा तो रोटी के साथ खाने में अच्छा लगेगा। और फिर मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया है। तो ये रेसिपी तो हमारी बनके के लाजवाब तैयार हो चुकी है। अब बाकी है इसके छौंके की, तो इसका भी प्रिपरेशन हम लोग कर लेते हैं। या मैंने देसी घी डाल दिया है, आप चाहे तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। और फिर मैंने इसमें चॉप्ड गार्लिक और फिर लाल मिर्ची जो रहते हैं वो मैंने इसमें डाल करके इसे अच्छे से तड़का लगा दिया है। तो इसमें जो गार्लिक की भूमिका है बहुत ही ज़्यादा है, आप गार्लिक इसमें ज़रूर डालिएगा। तो चलते हैं रोटी बनाने मकई का। यहाँ पे मैंने मकई की रोटी बनाने के लिए तावा ले लिया है, और उसे गर्म करके उस पर हाथों से
चाहे तो आप थपथपा करके रोटी बना के डाल सकते हैं, या तो फिर आप अच्छा सा बेलन से परथन लगा करके चौका पे बेल सकते हैं। तो मैंने तो रोटी डाल दिया है और उसे अच्छे से पलट दिया क्योंकि एक तरफ से लाल हो चुका था। अब मैं इसे बटर से सेक रही हूँ, ये मैंने इस पर बटर लगा दिया है। आप चाहे तो देसी घी या रिफाइंड ऑयल से भी सेक सकते हैं। इसी तरीके से पलटते हुए आप मकई की रोटी को सेक लीजिए। अब बना रहे हैं जाड़े में मक्के की रोटी सरसों के साग के साथ, तो फिर टेस्ट क्यों नहीं आएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। आप ज़रूर बनाइए इसे अपने घर पे। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारा जो रोटी है मक्के की रोटी वो रेडी हो चुका है। अब बाकी है एक दूसरा जो मैं सेक रही हूँ, एक पहला रेडी हो गया है, अब दूसरे पे भी मैं लगा देती हूँ बटर। तो बटर लगाने के बाद आप इस तरीके से इसको पलट लीजिए, पलट करके दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक आप इसको सेक लीजिए। और यदि आपको बटर नहीं पसंद है, आपको सूखी रोटी खाना है, तो आप वैसे भी खा सकते हैं, बट जो सरसों का साग है वो बटर के साथ बहुत ही टेस्टी लाजवाब लगता है। तो ये रेडी हो चुका है हमारा मक्के की रोटी, अब इसको मैं सर्व करूँगी। तो ये सर्व करने के लिए मैंने सर्विंग प्लेट ले लिया है और उसमें मैंने पहले से सरसों का साग रख दिया था, वो भी बटर ऊपर से डालकर। तो ये लीजिए हमारा रेडी है सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी। तो फ्रेंड्स, मेरा तो ये सरसों का साग के साथ मक्के की रोटी बन के रेडी हो चुका है। और आप कब बना रहे हैं अपने घर पर ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये लीजिए वाओ लाजवाब सरसों का साग। तो मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी, तो आप उसे भी फॉलो करना ना भूलें, उसे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा चटोरी मोना के नाम से ही। और फिर अच्छी अच्छी रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।